तो फ्रेंड्स, आज मैं नॉन एडिटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, बिल्कुल इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रही, बस अभी स्टार्ट किया है। और चलिए, मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल हेल्दी सा चाट। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे चाट और हेल्दी, तो 50-50 है, 50% हेल्दी है, 50% चटपटा है, बाकी तो जब चटपटा खाने की बात हो तो हेल्थ की कौन सोचता है यार। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिया है ये छोले, जिसे मैंने भिगो लिया था और उबाल लिया है। ये देखिए, अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, उस लेवल तक उबाला है इसे। तो छोले को डालती हूँ बाउल में। साथ में मैंने लिया है आलू। तो आलू को मैंने क्या किया, ये देखिए इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर है। मैंने इसे 2 चम्मच ऑयल में सॉटे किया है, तब तक किया है जब तक कि इसका कलर ऐसा ना हो जाए। और इसे भी डाल दिया। जब आप इस तरीके से सॉटे करके बनाते हैं तो इस चाट का जो टेस्ट है वो और इन्हांस कर देता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ऑनियन। यहाँ ऑनियन के बिना तो चाट अधूरा है, चाट का तो टेस्ट बढ़ा देता है ऑनियन। चलिए, साथ में डाल रही हूँ टमाटोस। और मैं यहाँ पे मीठी चटनी नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ज़्यादा मीठी चटनी, तो मैं नहीं यूज़ कर रही। अगर आपके पास हो और आपको पसंद हो तो आप ज़रूर यूज़ करें मीठी चटनी, नॉर्मली हर कोई चाट में डालता है। और साथ में डाल रही हूँ ढेर सारा कोरिएंडर लीव्स, जो मेरा फेवरेट है। मसाले, अब आती है मसालों की बारी। तो मसाले आपको दिखाती हूँ। चाट मसाला, लाल मिर्च, ये मैंने आम रस बनाने के लिए जो आम को उबाल के जो पेस्ट रेडी करके रखती हूँ वो लिया है 1 चम्मच। इसकी जगह पे आप खट्टा मीठा चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक सॉल्ट, और इस सब को मैं डाल देती हूँ इसमें। और साथ में हरी चटनी, तो ये मेरे पास होममेड हरी चटनी है जो बना के स्टॉक में रखती हूँ, 2 से 3 चम्मच, ये तो मेरा फेवरेट है। और ऑब्वियसली हेल्थ के लिए भी हरी चटनी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हरा धनिया और पुदीना होता है, और गर्मियों के दिन है तो ये नमक वाली प्लेट में से सब निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा उसी में रह गया है। नाइस, कलर कितना अच्छा दिख रहा है। और मैं थोड़ा हैंड वॉश भी कर लेती हूँ। और अब हमें क्या करना है, हमें इसे करना है मिक्स। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखिए और शाम के वक्त बनाइए, खाइए, खिलाइए। कोई गेस्ट आए तो उन्हें भी खिलाइए ये चटपटी सी चाट, हेल्दी और चटपटी चाट। वो भी याद रखेंगे क्या चाट खाया था। जी हाँ, तो आज मैंने सोचा नॉन एडिटेड वीडियो बनाती हूँ। वैसे भी वीडियो छोटी सी है, बस चाट की रेसिपी है और इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ प्रिपेयर है, कुछ खास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है जो अलग से बनाने हैं, तो बस इसीलिए नॉन एडिटेड वीडियो सोचा। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये नया नॉन एडिटेड वीडियो का सिलसिला। होप मैं आगे भी और कुछ ऐसे छोटे वीडियोस नॉन एडिटेड डालने की कोशिश करूँगी। और इसमें बस ऐड करूँगी अपना इंट्रो विंट्रो चैनल के। और फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। प्लीज़ मेरे लाइक्स को बढ़ाइए। और अब आता है बारी दही का। ये हो गया अच्छे से मिक्स। ऐड करिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नमक मैंने आलू भूनते वक्त भी डाला था और इसको बॉईल करते वक्त भी डाला था। यस बच्चे, यस हेलो। तो हाँ, चने को बॉईल करते भी डाला था, इसलिए मैं नमक ऊपर से बस काले वाली डाली हूँ थोड़ी सी। ये हो गई मिक्स अच्छी सी चटपटी चाट मेरी। वाओ, ये देखिए, बहुत ज्यादा नहीं उसको वो कर रही क्योंकि आलू फिर टूट जाएंगे। चलिए इसे करते हैं प्लेटिंग। 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर, तो उसकी बात भी सुनी और मैंने ये प्लेट भी निकाली जो मैं भूल गई थी निकालना। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये डाला चाट, कितना चटपटा दिख रहा है ना, उतना ही चटपटा स्वाद है।
हाई प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट आलू। बाकी तो धनिया वनिया तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। ये क्या प्लेटिंग मैंने इसकी, ऊपर से गार्निश थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ा सा दही, मैं डाल दूँ थोड़े से सेब इसके ऊपर और थोड़ी सी छोटी वाली भी सेब। तो करिए एंजॉय इस चाट को और हमें बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। एक बार तो बनता है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाइए, बहुत आसान है, बहुत चटपटी है, बहुत अच्छी है बन खाने में, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। सभी को थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद रसोई रेसिपी बाय अंजलि, और हमें लाइक करना ना भूले, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूले, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन। तो इसे ज़रूर ट्राई करिए और हमें बताइए।